नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान चूरू की तारानगर सीट देश भर में चर्चा का विषय रही। भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ यहां से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले चूरू फिर चर्चा में आ गया है। चूरू से भाजपा सांसद राहुल कासवा का भाजपा ने टिकट काट दिया है। उनकी जगह ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया है। इसके बाद से ही कसवा नाराज चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक्स पर पूछा है कि मेरा गुनाह क्या है। राहुल कसवा की एक्स पोस्ट को भाजपा से बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। अब लोग राहुल के सियासी भविष्य को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल कसवा को ऑफर भी दिया है। सूत्रों की माने तो राहुल कसवा के पास आरएनपी और कांग्रेस दोनों से ऑफर है। चूरू में कांग्रेस पहले से मजबूत है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ को हराने के लिए खूब जोर लगाया था। कहा जाता है कि हार का कारण खुद भाजपा के ही सांसद राहुल कसवा भी थे। कसवा और राठौड़ परिवार में पुरानी अदावत है। अब कांग्रेस चाहती है कि कसवा उनके खेमे में आ जाए, फिर से विधानसभा चुनाव जैसा माहौल बने और सीट पर भाजपा हार जाए। आरएलपी भी कसवा को चाह रही है कि आरएलपी के खेमे में राहुल कसवा आ जाए। सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जाट समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में राहुल को वे अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं ताकि शेखावाटी में उनकी पार्टी का वर्चस्व बढ़ सके। बेनीवाल नागौर और बाड़मेर की सीट पर दोनों बड़ी पार्टियों को टक्कर दे सकते हैं। इसी क्रम में वे चूरू का नाम भी जोड़ना चाह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का ऑफर क्या मानेंगे राहुल कसवा? विधानसभा चुनाव में आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने राहुल कसवा से मीटिंग की है। माना जा रहा है कि बेनीवाल डोटासरा के संदेश के साथ राहुल से मिले हैं। बेनीवाल ने कसवा को चुनाव लड़ने के लिए कहा है। मुमकिन है कि कसवा कांग्रेस से चुनाव लड़े और आरएलपी उनका समर्थन करे। अब देखना ये होगा कि राहुल कसवा का किस ओर रुख रहता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।